सब्सक्राइब करें टेक्निकल टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि पास सके आप लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह है ASUS Zenfone AR का पूरा रिव्यू। ये हैंडसेट ट्रिपल कैमरास के साथ में आता है, बहुत ही महंगा है। और ये महंगा क्यों है ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस हैंडसेट का परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, इस हैंडसेट में ऐसा क्या खास है वो भी बताऊँगा और इसकी बैटरी लाइफ के बारे में भी बताऊँगा। तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है ASUS Zenfone AR का बॉक्स पैक। बॉक्स के ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये 4G विद वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करता है। अब ये AR का मतलब है ऑगमेंटेड रियलिटी, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं प्राइस मेंशन किया हुआ है, 50,000 रुपये का ये हैंडसेट है। स्पेसिफिकेशंस इतने डिटेल्स में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन कुछ जो मेन डिटेल्स है वो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर आपको दिख जाएंगे। इस हैंडसेट की जो खास बात है वो ये है कि ये गूगल डे ड्रीम VR रेडी है और टैंगो सपोर्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये प्रीमियम क्वालिटी का ASUS Zenfone AR हैंडसेट और ये दुनिया का पहला हैंडसेट है जो टैंगो टेक्नोलॉजी और गूगल डे ड्रीम टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। आपको ये प्लास्टिक केस भी मिलता है जो इस हैंडसेट को प्रोटेक्ट करेगा, अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सिम ट्रे इजेक्ट पिन और यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड और कुछ इन्फॉर्मेशन डे ड्रीम के बारे में मिल जाएगा। ये है ट्रैवल चार्जर, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ट्रैवल चार्जर की रेटिंग है 9 वोल्ट्स 2 एम्पियर्स और आपको डेटा केबल भी मिलता है USB to USB Type-C और एक प्रीमियम क्वालिटी का ईयरफोन भी मिलता है। ये बहुत अच्छे क्वालिटी का ईयरफोन है, बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है। यह है ASUS Zenfone AR जो प्रीमियम स्मार्टफोन है, कर्वी डिज़ाइन है और ये कर्वी डिज़ाइन के कारण आप इसे बहुत ही कम्फर्टेबली पकड़ सकते हैं, काफ़ी देर तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे देख सकते हैं ऐसा टेक्स्चर है, लेदर टाइप का टेक्सचर है जो बहुत ही कंफर्टेबल फील देता है और अच्छा सा ग्रिप भी देता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये ट्राई कैमरा सिस्टम के साथ में आता है, मतलब इसमें 3 कैमरास हैं और ये NFC भी सपोर्ट करता है, NFC का लोगो भी है। मेन कैमरा 23 मेगापिक्सल का है और जो बड़ा कैमरा आप देख रहे हैं वो मोशन ट्रैकिंग कैमरा है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। कैमरा का जो मॉड्यूल है वो काफ़ी अंदर की तरफ है, मतलब कि बाहर नहीं आता है। मेटल का फ्रेम है और इस हैंडसेट का जो वेट है वो है तकरीबन 170 ग्राम्स। इस हैंडसेट पर LED नोटिफिकेशन है, ये देखिए LED नोटिफिकेशन, और इस पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो आगे की साइड पर है। जो होम बटन है वो फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको ये जो बटन है इसे प्रेस करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने फिंगरप्रिंट इनेबल कर दिया है और इस बटन के ऊपर आप सिर्फ फिंगर रख देंगे तो काम नहीं चलेगा, इसे आपको प्रेस करना पड़ेगा इस तरीके से और फिर ये ऑटोमेटिकली फिंगरप्रिंट डिटेक्ट भी कर लेगा। इस हैंडसेट पर 5.7 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन है WQHD रेजोल्यूशन के साथ में, 2560x1440 pixels रेजोल्यूशन, 2K रेजोल्यूशन कहते हैं इसे, और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 प्रोटेक्टेड है। कलर रिप्रोडक्शन और व्यूइंग एंगल्स बहुत ही अच्छे हैं। ये हैंडसेट स्नैपड्रैगन 821 क्वाड कोर पावर्ड है और ये रन कर रहा है एंड्रॉयड नोगेट 7.0। और अगर सेंसर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेंसर्स हैं, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, लाइट, मैग्नेटिक, स्टेप, जायरो और हॉल सेंसर्स, तकरीबन सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। 8 GB इसमें मेमोरी है और 128 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर राइट हैंड साइड पर है। ऊपर की तरफ आपको मिलेगा यह है सेकेंडरी माइक्रोफोन। पीछे साइड पर ट्रिपल कैमरास हैं, ASUS का लोगो है पीछे साइड पर, और नीचे साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्पीकर आउट वेंट, USB Type-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और ऑडियो जैक,
और लेफ्ट साइड पर आपको मिलेगा सिम ट्रे। चलिए ये सिम ट्रे को मैं खोल देता हूँ, देखते हैं कि किस टाइप का सिम ट्रे है। ये एक हाइब्रिड सिम ट्रे है, मतलब आप दो नैनो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो जियो सिम है उसे मैं सिम स्लॉट 2 में डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4G तो काम कर रहा है लेकिन वॉइस ओवर LTE काम नहीं कर रहा है और कहीं भी वॉइस ओवर LTE का ऑप्शन नहीं है। बॉक्स के ऊपर तो ये मेंशन किया हुआ है कि ये हैंडसेट वॉइस ओवर LTE सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ कारणवश ये जो रिव्यू यूनिट मुझे मिला है इस पर वॉइस ओवर LTE का कहीं भी नामो निशान नहीं है। आशा करता हूँ कि जो मार्केट में ये हैंडसेट अवेलेबल है उस पर वॉइस ओवर LTE बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल होगा। इस हैंडसेट पर NFC भी है और ऑप्टीफ्लिक्स करके सॉफ्टवेयर भी है जो 10 एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज़ करता है ताकि वो बहुत ही फास्ट काम करेंगे। OTG सपोर्ट करता है, मैंने एक्सटर्नल पेन ड्राइव कनेक्ट किया है और आप देख सकते हैं उसे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं इस हैंडसेट में जो सबसे खास चीज़ है उसके बारे में, गूगल डे ड्रीम। उसका एप्लीकेशन यहाँ पर है, उसे मैं शुरू कर देता हूँ। और ये जो गूगल डे ड्रीम है इसे इन्जॉय करने के लिए आपको ये गूगल डे ड्रीम VR की ज़रूरत पड़ेगी। ये मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का VR है और बहुत ही अच्छा VR एक्सपीरियंस भी देता है। और ये एक रिमोट के साथ में आता है। ये जो रिमोट है ये ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है और इसमें तकरीबन 5 बटन्स हैं, वॉल्यूम का भी बटन है। और इसे आप इस जो हैंडसेट है ज़ेनफोन AR इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिमोट के अंदर बिल्ट इन बैटरी है और एक माइक्रो USB पोर्ट भी है जिसके ज़रिए आप उस बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। तो चलिए मैं इस VR का जो एप्लीकेशन है गूगल डे ड्रीम कोई एक एप्लीकेशन को मैं शुरू कर देता हूँ। और शुरू करने के बाद आपको ये जो कंट्रोलर है इसे पेयर करना पड़ेगा आपके स्मार्टफोन के साथ में, मैंने पेयर कर दिया है। VR का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो तो आप VR डिवाइस के साथ में ही इंजॉय कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि स्मार्टफोन के ऊपर आपको दो विंडोज़ मिलते हैं और ये जो कंट्रोलर है देखिए किस तरीके से काम करता है। जब आप ये VR को एक्चुअली VR के ऊपर देखेंगे, VR हेडसेट के ऊपर देखेंगे तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग ही होगा, लेकिन यहाँ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरीके का कंट्रोलर काम करता है और किस तरीके से आप इस कंट्रोलर से ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाएंगे। मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है, ताजमहल के बारे में डिटेल्स है। आप देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट भी हवे में फ्लोट हो रहे हैं और अगर मैं चाहूँ तो मैं मूव भी कर सकता हूँ, मतलब ये जो व्यू है ये टोटल 360 डिग्रीज व्यू है। चलिए अब बात करते हैं टैंगो टेक्नोलॉजी की। और ये जो टैंगो टेक्नोलॉजी है ये ट्राई कैमरा सिस्टम जो पीछे के साइड पर है उसका इस्तेमाल करता है। आपको बता दूं कि पीछे साइड पर 23 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा है और एक मोशन ट्रैकिंग कैमरा है, तो टोटल 3 कैमराज हैं पीछे साइड पर। वैसे तो बहुत सारे टैंगो एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि ये जो टैंगो टेक्नोलॉजी है ये किस तरीके से काम करती है। तो ये जो AR क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये एक्चुअली क्या करता है कि जो आपका जो रियल एनवायरनमेंट है उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है जो आप अपने स्मार्टफोन पर ही देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो स्क्रीन के ऊपर है लेकिन जो रियल वर्ल्ड है उसके साथ में मिक्स हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पेट्स हैं, इस पेट को मैं टैप करता हूँ किस तरीके से वो भाग रहा है, यहाँ पर भाग रहा है, वहाँ पर भाग रहा है, और जहाँ पर भी मैं टैप करता हूँ वहाँ पर वो पेट भाग जाता है। तो रियल वर्ल्ड और जो अनरियल वर्ल्ड है दोनों को टैंगो टेक्नोलॉजी ने एक कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो उदाहरण है। लेकिन टैंगो टेक्नोलॉजी जो है वो इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है, यहाँ पर आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए ये कैरेक्टर जो है इसे मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में नहीं है, ये जो रियल वर्ल्ड है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो कैरेक्टर एक्चुअल में है। और जैसे मैं स्मार्टफोन को मूव करता हूँ वो कैरेक्टर वहाँ का वहाँ पर ही है, मतलब वहाँ से हिलता नहीं है। अब मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिससे आप वाकई में हैरान हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये टैंगो टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकता है। ये पेट को तो मैं ज़मीन पे भगा रहा हूँ, अगर मैं इसे बिस्तरे के ऊपर भगाऊंगा तो क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि वो डायरेक्टली सीधा चले जाएगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं।
जब मैं बिस्तरे के ऊपर टैप करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये जो पेट है ये एक्चुअल में बिस्तरे के ऊपर जंप कर रहा है, मतलब कि ये जो टैंगो टेक्नोलॉजी है उसे पता है कि बेड और ज़मीन दोनों अलग है और बेड एक पर्टिकुलर हाइट पे है, तो है ना कमाल की चीज़। चलिए अब इस हैंडसेट के कैमरा की बात करते हैं। जो रियर कैमरा है वो 23 मेगापिक्सल का है, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खींच लेता है। इसकी जो क्वालिटी है वो है एक्सेलेंट और नाइट शॉट्स भी काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, ये है लॉन्ग शॉट, तो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये हैंडसेट 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। मैं ये वीडियो 4K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और फोकसिंग भी काफ़ी फास्ट है। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि मैं यही कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही बारिश हो रही है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है दोनों कैमरा और छतरी को पकड़ना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि ये हैंडसेट किस तरीके से और कितनी फास्ट फोकसिंग कर रहा है। इस हैंडसेट में 3-एक्सिस इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी है और 4-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चलने के समय ज़्यादा शेक नहीं हो रहा है, लेकिन इतना भी स्मूथ नहीं है। तो ये हो गया कैमरा की क्वालिटी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं हार्डवेयर के परफॉर्मेंस के बारे में। मैंने इस हैंडसेट पर एंटीटू बेंचमार्क रन किया था, मुझे स्कोर मिला था 1,51,000 के आसपास। ये हार्डवेयर काफ़ी पावरफुल है, जाना माना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी लैग नहीं है, काफ़ी स्मूथ है। इस हैंडसेट पर आप हाई एंड गेम्स बड़ी आसानी से खेल सकते हैं। और वैसे भी ये हैंडसेट काफ़ी महंगा है और हाई एंड फीचर्स के साथ में आता है, तो ये गेम मॉडर्न कॉम्बैट 5 बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले हो रहा है, बहुत ही स्मूथ है, और अब तक तो मैंने कोई भी लैग नहीं देखा है। चलिए अब दूसरा गेम चेक करते हैं जिसका नाम है एसफॉल्ट 8। और जो एसफॉल्ट 8 गेम है ये मैं हाई विजुअल क्वालिटी में खेलने वाला हूँ। ये हार्डवेयर इस गेम को भी बड़ी आसानी से प्ले कर रहा है, कोई भी लैग नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, और जो कार का कंट्रोल है वो भी बहुत ही अच्छा है। इस हैंडसेट में है 3300 mAh का नॉन रिमूवेबल बैटरी और ये क्विक चार्ज 3.0 सपोर्ट करता है। जो चार्जर बॉक्स के अंदर मिला था उस चार्जर से मैंने इस हैंडसेट को चार्ज किया था, मुझे लगे तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट 13% से लेकर 100% तक चार्ज करने के लिए, और फुल चार्ज पर आपको मिल सकते हैं तकरीबन 4 से 7 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज, मतलब कि ये हैंडसेट आपको एक दिन का मिक्स यूसेज आसानी से दे देगा। हीटअप की अगर बात करें तो ये हैंडसेट ज़्यादा हीटअप नहीं होता है, मैक्सिमम बैटरी टेम्परेचर जो मैंने महसूस किया वो था 36 डिग्रीज। मैं बैटरी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, CPU टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये हैंडसेट काफ़ी पावरफुल है, हीटअप नहीं होता है, कैमरा क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। इस हैंडसेट में यूनिक फीचर ये है कि ये टैंगो और गूगल डे ड्रीम सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ है, और आपने देख लिया कि वो किस तरीके से काम भी करते हैं। ये 50,000 रुपये का फ़ोन है, महंगा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसमें यूनिक टेक्नोलॉजी है टैंगो और डे ड्रीम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।